उसे आई थिंक प्रेशर दबाव मैसेज फोन करके आता रहा जी। मेरा नाम मोहम्मद काफूर है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूं और सोम स्कूल में, और स्कूल ने वैसे ही किया मेरे बच्चे को तुरंत ऑनलाइन क्लासेस से हटाया गया, जबकि मैंने निकाला गया क्योंकि उन्होंने फीस पे नहीं की थी, मेरे को स्कूल से भी निकाल दिया। स्थिति नहीं है, फिर भी मेरी आईडी जो थी वो ब्लॉक कर दी, पहले फीस पे करो तब हम पढ़ने देंगे। और मेरे को मतलब आने नहीं दिया, मैं गया था स्कूल में जिसको निकाल दिया, पहले फीस पे करो तो हम स्कूल में जाने देंगे। कानून और मेरे इनाम भी कार्ड मेरा जो मार्क्स एग्जाम में वो भी कार्ड देते थे, इसलिए पापा का मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं अभी जब पापा ठीक हो जाएंगे तब फीस पे कर देंगे, लेकिन ये खुद भी नहीं माना, धमकी भरा पत्र से निकाल दिया कि अगर आपने फीस जमा नहीं की आपके और आपके बच्चे के ऊपर अनुशासन अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और मुझे बताइए किसी भी नाबालिग बच्चे कोई भी स्कूल में कोई भी सरकार के खिलाफ शिक्षा विभाग। सर मैं धरने पर इसलिए बैठा हूँ कि मेरा बच्चा जो शिक्षा का अधिकार है, जो हमारे संविधान हमारा जो आईटी का नियम और नियमावली कहती है कि शिक्षा व्यापार नहीं अधिकार है, और आज के डेट में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा माफिया शिक्षा पर हावी हो गया, और जिसमें शासन प्रसारण शासन सिर्फ शिक्षा माफियों का ही गुण गा रहा है, अभिभावकों की तरफ कोई देखरेख नहीं है। अभी आपने देखा होगा स्कॉलर होम स्कूल पर 15 तारीख को अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया था, मैं कई अभिभावकों को स्कूल में अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया और परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, उसी में मेरा बेटा भी है एक जिसको शिक्षा से वंचित किया गया और परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस से भी बाहर किया गया, जबकि इसके कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी DM शिक्षा सचिव शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री तक को आप निवेदन कर चुके हैं, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसको हाई कोर्ट ने नोडल अधिकारी बना रखा है इस सभी में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, वो कह रही वो उनका कहना है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ पत्र व्यवहार कर रही हैं। और मैं कहता हूँ कि जब मुख्य शिक्षा अधिकारी को इसका पूरा अधिकार दिया हुआ है स्कूल पर एक्शन लेने के लिए, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्या कारण है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी एक्शन नहीं ले पा रही, या कुछ साठगांठ है इनके स्कूलों के साथ। मैं तो कहूँगा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उन पर जांच बैठाया जाए, उनसे पूछा जाए कितना स्कूलों का आपके पास कंप्लेन आया है और कितना स्कूलों का आपने निस्तारण किया है, यहाँ तक कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पेरेंट्स को धमकाया जाता है कि आप फीस जमा करिए फिर हमारे पास आइए, जब विभाग का फीस है या नहीं है आप बताइए। मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल की तरफ से स्कॉलर होम स्कूल के पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आया, जबकि नवंबर में ही मेरे द्वारा इनको कंप्लेन भेजा गया था, आपने 16 तारीख अखबार पढ़ा होगा, उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी कहना कि अगर अभिभावक कंप्लेन करते हैं तो स्कूल को मतलब बंद करने का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन कंप्लेन जब पहले कर जाएगा तो अब तक क्यों एक्शन लिया मुख्य शिक्षा अधिकारी ने, तो सबसे पहले इस मुख्य शिक्षा अधिकारी को हटाना चाहिए, मैं सरकार से निवेदन करूँगा इन पर जाँच बैठाया जाए और कितने स्कूलों की जो शिकायत आई है मतलब क्या कार्रवाई करिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इनसे पूछा जाए।